स्टार्ट। नमस्कार बच्चों, तो आप सबको अभी एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। सभी लोग उस चित्र को ध्यान से देखें और मुझे बताओ इस चित्र में आप सबको क्या क्या दिखाई दे रहा है। अरे वाह, सारे बच्चों के हाथ ऊपर है। आओ पहले हम रोहित से सुनते हैं। मैंने बताया इस चित्र में उसको बादल दिखाई दे रहे हैं। दूसरे ने बताया इस चित्र में उसको इंद्रधनुष दिखाई दे रहे हैं। तो तीसरे बच्चे ने बताया इस चित्र में उसे एक छाता दिखाई दे रहा है। चौथे बच्चे ने बताया इस चित्र में उसे तीन बच्चे बारिश में भीगने का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पांचवे बच्चे ने बताया कि इस चित्र में उसे बादलों के बीच छुपा हुआ सूरज दिखाई दे रहा है। तो एक बच्चे ने यह बताया कि इस चित्र में उसे बारिश हो रही है, यह दिखाई दे रहा है। तो सही पहचाना है आपने कि यह चित्र बारिश का है और सारे बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक ये चित्र देख रहे हैं। बारिश को ही हम वर्षा ऋतु कहते हैं। वर्षा ऋतु मतलब बरसात का मौसम। आज मैं आप सबको मेरा बारिश में भीगने का अनुभव बताना चाहती हूँ। हाथ में छाता हो या फिर रेनकोट हो, हम सब बच्चों को बारिश में भीगने में बड़ा मजा आता है। इसलिए हम बारिश आते ही खुशी से नाचना शुरू करते हैं। कभी कभी तो बारिश के साथ इतनी तेज हवा आती है कि हमारा छाता ही उड़ जाता है। चित्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे बारिश में भीगने का आनंद लूट रहे हैं और बारिश के साथ ही तेज हवा भी आ रही है। इसी कारण एक बच्चे का छाता उड़ गया तो एक बच्चे का कैप उड़ गया। बारिश में भीगने का मेरा अनुभव मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। बरसात के मौसम में पकड़म पकड़ाई जैसे खेल खेलते समय बारिश आए तो हम सारे खुशी से नाचना शुरू करते थे। बारिश में भीगते हुए पकड़म पकड़ाई खेलते थे, एकदम ऐसे ही जैसे इस चित्र में दिखाया है, जहाँ पे चार बच्चे बारिश में एक खेल खेल रहे। मैं मुंबई में रहती हूँ। हमारे यहाँ जब भी लगातार मूसलाधार बारिश होती है तब तुरंत कुछ ही घंटों में शहर में पानी जमा होता है। उस वक्त अगर हम स्कूल में हो तो स्कूल से घर लौटते समय हम सब घुटने जितने पानी में धीरे धीरे सावधानी से चलते हुए घर पहुंचते हैं। उस वक्त कभी कभी डर भी लगता है कि अगर मैं गड्ढे में गिर गई तो। कभी कभी मैं बाहर जाते समय छाता लेना भूल जाती थी और तभी अगर बारिश शुरू होती थी तो मेरे मित्र मेरी मदद करते थे, लेकिन फिर भी हम दोनों आधे आधे भीगते थे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से इस चित्र में दिखाया है कि एक लड़का लड़की एक ही छाते में बैठे हैं। बारिश के मौसम में कागज की नाव बनाकर उसे पानी में छोड़ना यह मेरा पसंदीदा खेल है। वर्षा ऋतु में बारिश में भीगकर घर लौटती थी तो मुझे बारिश में भीगने वाले बच्चों का चित्र निकालना बहुत अच्छा लगता था। अभी आप सबको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए यह चित्र किस ऋतु का है। अरे वाह, सारे बच्चों ने हाथ ऊपर किए हैं। तो ठीक है, इस बार हम उन्हें बोलने का मौका देते हैं जिन्होंने अभी तक एक बार भी उत्तर नहीं बताया। पायल तुम बताओ, तुम्हें यह चित्र किस ऋतु का लग रहा है? तो पायल ने जवाब दिया उसे यह चित्र वर्षा ऋतु का लग रहा है। पायल तुमने एकदम सही जवाब दिया है। इस ऋतु के ऊपर
एक कवि ने एक कविता लिखी है। तो आओ देखते हैं और समझते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहना चाहते हैं, बादल छाए बरखा आई, उफन उफन नदियां इतराई, मन भावन मौसम में आए, मोर नाचकर खूब लुभाए। बरखा आई इसका अर्थ होता है बारिश का आना। इतराना मतलब किसी गुण विशेषता सफलता आदि पर फूल जाना या अभिमान से भरा हुआ आचरण या व्यवहार करना। लुभाना मतलब मन में अपने प्रति चाह उत्पन्न करना। कवि ने जो काव्य पंक्तियां कही उसका अर्थ यह है, आकाश में काले बादल छाते हैं तब बरसात आती है। ऊंचे पर्वत पर गिरने वाला बरसात का पानी नदी में मिल जाता है और नदी के जल का स्तर बढ़ता है। नदी के दोनों तट पानी से भर जाते हैं। नदी का पानी बड़ी लहरों के साथ बहने लगता है। बरसात में मोर नाचने लगता है। यह सारा दृश्य देखकर मन प्रसन्न होता है। धन्यवाद।